लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, मैं सान्या जैन आपके साथ। हैदराबाद रेप कांड और हत्या के बाद देश भर में दोषियों को फांसी की सजा दी जाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ऐसे दुष्कृत को अंजाम देने वालों के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। इंदौर के महू में तो बदमाश ने ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है कि चारों ओर से अब पीड़ित के परिजनों को जल्द इंसाफ दिए जाने की मांग उठने लगी है। दरअसल इंदौर की महू तहसील में एक बदमाश ने 4 साल की मासूम को साई मंदिर के सामने से उठाया और सिमरौल रोड स्थित आर्मी क्वार्टर के बंगला नंबर 122 में उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मासूम अपने माता पिता के साथ रोज की तरह ही सड़क पर सो रही थी और रविवार देर रात को बदमाश आया और उसने सबसे पहले मासूम को सड़क से उठाया। हालांकि घटना के बाद आरोपी अभी भी अज्ञात है। इस मामले में अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार की अगुवाई में प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात आरोपी मासूम को मौके से 500 मीटर दूर सिमरौल रोड पुल के पास प्रशांति हॉस्पिटल के सामने स्थित आर्मी क्वार्टर क्षेत्र के सुनसान इलाके में ले गया, जहां चांद शाह वाली दरगाह के पीछे स्थित आर्मी के बंगला नंबर 122 में उसने पहले तो अश्लीलता की हदें पार कर दी और फिर उसने मासूम का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस बीते 36 घंटे से लगातार आरोपी की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। जी बताइए। 2 दिन पूर्व महू जो हमारे इंदौर शहर का गौरव है, जो देश का गौरव है, जिसने विश्व में अपना नाम कमाया है, ऐसे भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म स्थली है, इसका नाम आज हमारे मऊ का नाम शर्मसार किया है। 2 दिन पूर्व हमारी वाल्मीकि समाज की बालिका के साथ, अबोध बालिका के साथ जो रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, आज पूरा मऊ शहर शर्मसार है, सारे दलितों में आक्रोश है। आज समस्त दलित संगठन एवं अन्य समाज के लोग भी हमारे साथ आक्रोश प्रदर्शन करने आए हैं और आरोपियों जो बलात्कारी आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसे फांसी की मांग करते हैं हम और कानून से केंद्रीय सरकार से यह अनुरोध करते हैं, यह प्रार्थना करते हैं, यह मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत इस केस को चलाया जाए और 15 दिन के अंदर इस केस का डिसीजन हो, जिससे जो बलात्कारी है आने वाली घटनाओं पर भी रोकथाम हो सके। और अगर नहीं संभाल सकता है आपसे तो प्रजा को सौंप दीजिए ऐसे आरोपियों को, तो वो प्रजा खुद, हमारी जनता जो है, समस्त संगठन और हमारे यहाँ पर रहने वाले जनमानस उसको सजा देगा। आपका नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।